अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है जनाब इस्लामिक प्रोडक्ट के हवाले से, नेशनल सेविंग की इस्लामिक प्रोडक्ट, क्योंकि स्टेट बैंक का बहुत ज़्यादा प्रेशर है प्राइवेट बैंकों पे भी और नेशनल सेविंग पे भी कि आप इस्लामिक प्रोडक्ट जो है वो उसको भी फ़रोग दें, मतलब ये कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में लोगों को बताएँ ताकि लोग इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आएँ। यही वजह है कि आप देख सकते हैं जितने बड़े बैंक हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे ब्रांचेस भी इस्लामिक खोल ली हैं। और जनाब कुछ तो ऐसे बैंक थे जो प्राइवेट थे और बहुत बड़े बैंक थे, जैसे फैसल बैंक लिमिटेड। फैसल बैंक जो है वो टोटली कन्वेंशनल बैंक था और बहुत बड़ा बैंक था, 600-700 ब्रांचेस थे उसकी। और फिर फैसल बैंक ने ये किया कि अपनी पूरी 700 ब्रांचेस समेत, 700 ब्रांचेस में जो स्टाफ है, हेड ऑफिस समेत जो है, उसने अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को जो है वो इस्लामिक में कन्वर्ट किया। जो प्रोडक्ट इस्लामिक में कन्वर्ट हो सकती थी शरिया बोर्ड ने जिसकी इजाज़त दी थी उसको इस्लामिक में कन्वर्ट किया, जो नहीं हो सकती थी उसको फिर ना ख़त्म किया, मतलब कि क्लोज करवाया। और उसके बाद जो भी स्कीम लेकर आए वो इस्लामिक लेकर आए। कहने का मकसद ये कि स्टेट बैंक की कंडीशन है कि आप इस्लामिक बैंकिंग को फ़रोग दें और जो कन्वेंशनल बैंकिंग है उसको ख़त्म कर देना, ठीक है। इसी तरह मिज़ान बैंक तो फ्रॉम फर्स्ट डे से इस्लामिक बैंकिंग है, ठीक है, फैसल बैंक भी हो गया और भी बहुत सारे बैंक हैं। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं हबीब बैंक लिमिटेड हो गया, या जनाब हो गया बैंक अल हबीब लिमिटेड, इनकी जो भी ब्रांचेज अब खुल रही वो कन्वेंशनल नहीं खुल रही, वो इस्लामिक ही खुल रही है। तो कहने का मकसद ये था कि इस वक्त जो है वो स्टेट बैंक का भी जोर यही कि आप इस्लामिक बैंकों को इंट्रोड्यूस कराएं। अब सवाल ये पैदा है कि हमारे पास जो नेशनल सेविंग में हमारे पैसे हैं या नेशनल सेविंग में जो हमारे अकाउंट्स हैं उसके बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन है। और जो बेसिकली आज की वीडियो है कि हमारे पास नेशनल सेविंग की कौन कौन सी इस्लामिक जो है स्कीमें मौजूद है हमारे पास जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और क्या ये स्कीमें जो है वो हमें जो कन्वेंशनल स्कीम है उससे ज़्यादा फ़ायदा दे रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसका रेट क्या है, इस पर इनकम टैक्स क्या लगेगा, इस पर विथहोल्डिंग टैक्स लगेगा, इस पर ज़कात क्या लगेगा और नेट प्रॉफिट कितना बनेगा, कौन सी स्कीम जो है वो क्या प्रॉफिट मेजोरिटी पे मिलता है, कौन सी स्कीमों को जो है वो मंथली मिलता है, कौन सी स्कीमों का जो है 6 महीने में मिलता है, ठीक है, कौन सी स्कीमों का मंथली प्रॉफिट मिल रहा, तो तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में हम देखेंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं ये जो है नेशनल सेविंग की जो स्कीम है, इस्लामिक स्कीम, इसको रफा नेशनल सेविंग के नाम दिया गया है, ठीक है, रफा नेशनल सेविंग प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, ये रफा नेशनल सेविंग है क्या, यहाँ पर देखिए उन्होंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, सी डी एन हैज बिन लॉन्च, ठीक है, ये देखेंगे ये पढ़े वर्ड क्लियर हो जाए कौन सा, CDNS हैज लॉन्च अ डेडिकेटेड इस्लामिक विंडो, इस्लामिक विंडो नेम एज रफा नेशनल RNS, ठीक है। अच्छा, इसको इस्लामिक विंडो कहा उन्होंने और नेशनल सेविंग में इंट्रोड्यूस करवाया। अगर आप प्राइवेट बैंकों को भी देखें तो जो कन्वेंशनल बैंक है उनमें प्राइवेट उनमें जो है वो स्टार्ट में उन्होंने विंडो ही ओपन किया था इस्लामिक, और उसके बाद जो है उसको प्रॉपर जो है फिर उसको जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर इस्लामिक ब्रांचेज ओपन करना शुरू किया। तो इसी तरह यहाँ पर उन्होंने इस्लामिक विंडो खोला है, हर ब्रांच में कन्वेंशनल ब्रांच में इस्लामिक विंडो खोला है। आने वाले दिनों में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि जो भी इनकी ब्रांचेस खुलेंगी वो इस्लामिक ही खुलेंगे, ठीक है। बहरहाल चलते जनाब वीडियो की तरफ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम इस बहस में पढ़े तो। जनाब रफा नेशनल सेविंग के तहत हमारे पास जो जो प्रोडक्ट है इस्लामिक वो है जनाब, एक तो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, सिंपल सेविंग अकाउंट है जैसे प्राइवेट बैंकों में सेविंग अकाउंट होता है वैसा, ठीक है। और दूसरा है जनाब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट। अच्छा देखिए, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट सीसा जिसको हम कहते हैं, इससे तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही अकाउंट है, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर लोग समझते हैं क्या ये भी अकाउंट होगा या क्या होगा, जनाब ये सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट बेसिक सर्टिफिकेट है, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, और आपके सर्टिफिकेट जो प्रॉफिट है
वो सर्वे इस्लामिक टर्म अकाउंट में नहीं होता, वो सर्वे इस्लामिक सेविंग अकाउंट में ही गिर रहा होता है। इसलिए मैंने कुछ वीडियोस बनाया, उसमें आप लोगों से कहा था कि आप चाहे सर्वे इस्लामिक टर्म अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करें या आप इन्वेस्टमेंट करें सर्वे इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, दोनों सूरतों में आपको सर्वे इस्लामिक सेविंग अकाउंट का तो अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा सीसा, ठीक है। क्योंकि सर्वे इस्लामिक टर्म अकाउंट का भी प्रॉफिट कहाँ आता है, वो सर्वे इस्लामिक टर्म अकाउंट में नहीं आता, वो आता है सर्वे इस्लामिक सेविंग अकाउंट में। तो जनाब दो प्रोडक्ट है बेसिकली हमारे, सर्वे इस्लामिक सेविंग अकाउंट और सर्वे इस्लामिक टर्म अकाउंट। अच्छा, सर्वे इस्लामिक सेविंग अकाउंट का तो कोई और पार्ट नहीं, मतलब वो सर्वे इस्लामिक सेविंग अकाउंट पे ही खत्म है, जो भी इसका प्रॉफिट वगैरह है इसमें कुछ और 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल की कोई सिचुएशन नहीं है, वो डायरेक्ट वो सर्वे इस्लामिक सेविंग अकाउंट है और उसमें कुछ और नई चीज़ें नहीं है। उसकी डिटेल्स भी हम देखेंगे अभी, इसके प्रॉफिट रेट वगैरह। अच्छा, बात कर लेते हैं सर्वे इस्लामिक टर्म अकाउंट की। अच्छा, सर्वे इस्लामिक टर्म अकाउंट को मजीद हम 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक का प्रॉफिट आपको मिलेगा मैच्योरिटी पे, ठीक है, इसका रेट भी डिफरेंट है। एक से मुराद 1 साल वाले की बात कर रहा हूँ, सर्वे इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाले की, इसका जो प्रॉफिट मिलेगा आपको 1 साल बाद मिलेगा, पूरे 12 महीने बाद, ठीक है, और इसका रेट भी डिफरेंट है और रेट भी ज़्यादा है इसका। इसी तरह बात कर लेते हैं हम 3 साल वाले के लिए, सर्वे इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 साल वाला, इसका जो प्रॉफिट मिलेगा आपको वो हर 6 महीने में मिलेगा, ठीक है, 3 साल तक फिक्स होकर रहेगा ये और 3 साल बाद आपका मैच्योर हो जाएगा और इसका प्रॉफिट मिलेगा आपको हर 6 महीने पे, ठीक है। और इसको भी हम कहते हैं कि सर्वे इस्लामिक टर्म अकाउंट जो है ये भी एक अलहदा 3 साल वाली अलहदा प्रोडक्ट है, क्योंकि एक तो इसका इसका जो रेट है प्रॉफिट रेट वो भी डिफरेंट है और दूसरा जो आपको प्रॉफिट फ्रिक्वेंसी मतलब कब कब प्रॉफिट मिलेगा वो भी चेंज है, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं 5 साल वाले की, सर्वे इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले की। तो जनाब सर्वे इस्लामिक टर्म अकाउंट जो 5 साल वाला है ये भी जो है 1 साल और 3 साल से डिफरेंट ही हम इसको काउंट करते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट आपको हर महीने मिलता है और इसका प्रॉफिट रेट भी चेंज है, ठीक है। तो ये है जनाब सर्वे इस्लामिक टर्म अकाउंट और सर्वे इस्लामिक सेविंग अकाउंट की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अच्छा, हम चलते हैं कि हमें जो है वो ये टोटली देखा जाए तो 4 प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, सर्वे इस्लामिक सेविंग अकाउंट और फिर 3 सर्वे इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल, सर्वे इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 साल और सर्वे इस्लामिक सेविंग अकाउंट 5 साल वाले, ठीक है। अच्छा, बात कर रहे थे सर्वे इस्लामिक टर्म अकाउंट की, उस प्रोडक्ट की जिसमें कौन से प्रोडक्ट ऐसे सर्वे इस्लामिक टर्म अकाउंट या सर्वे इस्लामिक सेविंग अकाउंट या फिर दोनों ही में हम इन्वेस्ट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जनाब बात कर लेते पहले सर्वे इस्लामिक टर्म अकाउंट की, क्योंकि इसमें 1 साल 3 साल और 5 साल है, ठीक है। अच्छा, सर्वे इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाले की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ, अभी देखिए 1 साल आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये 1 साल लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 साल वाले की हम बात कर रहे हैं, 1 साल का जो प्रॉफिट रेट है वो है 21.37%, ठीक है, बहुत ही शानदार इसका प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा आपका 21,370 रुपये 1 साल का। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी वोट बन रही 3,205 रुपये, और अगर नन फाइनल है तो जनाब आपका टैक्स कटेगा 6,411 रुपये 1 लाख में, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं हम फाइनल की, 15% टैक्स कटने के बाद तो 1 लाख में जो प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को मिलेगा 1 लाख पे 18,164 रुपये, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं नन फाइलर की, तो जनाब नन फाइलर को 1 लाख पे प्रॉफिट मिलेगा 1 साल बाद 14,959 रुपये, ठीक है। ये 1 साल वाले की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम 3 साल वालों की। 3 साल वालों की बात जो है वो ये है कि सर्वे इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 साल के लिए भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉफिट जो मिलेगा वो 18% के हिसाब से मिलेगा। अच्छा, प्रॉफिट मिलेगा कब कब, हर 6 महीने पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, हर 6 महीने 9,000 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। इस पे 15% टैक्स कटेगा, और अगर आप फाइनल है तो जिसकी अमाउंट बन रही 1,350 रुपये, और अगर नन फाइनल है तो 2,700 रुपये टैक्स कटेगा। टैक्स काटने के बाद जो फाइनल है उसको जो प्रॉफिट मिलेगा हर 6 महीने पे 1 लाख पे 7,650 रुपये, और जो नन फाइलर है उसको हर 6 महीने प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख पे 6,300 रुपये, ठीक है। अच्छा जनाब, अब बात कर लेते हैं हम सर्वे इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वालों के लिए, ठीक है। जो प्रॉफिट रेट है इसका 15.66% है, जो ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है वो 1 लाख में बन रहा है 1,305 रुपये पर महीना। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कट गया, जिसकी अमाउंट बन रही 195 तकरीबन 196 रुपये, ठीक है। और अगर नन फाइलर है तो आप जो आपका जो बन रहा है प्रॉफिट जो बन रहा है आपका फाइलर पर टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 391 रुपये
391 रुपये, ठीक है। अच्छा बात कर लेते हैं कि फाइलर अगर है तो उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख पे हर महीने। तो जनाब अगर आप कोई फाइलर है और 15% उसका टैक्स कटता है, टैक्स कटने के बाद हर महीने 1100 रुपये उसको प्रॉफिट मिलेगा, और नन फाइलर को हर महीने जो है जनाब 913 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा इन तीनों स्कीमों पर ज़कात भी है, ठीक है, और तीनों स्कीमों पर विथहोल्डिंग टैक्स भी है। अच्छा ज़कात है, ज़कात से किस तरह बच सकते हैं? ज़कात के लिए CZ50 का फॉर्म होता है, वो जमा करवा देंगे तो आपका ज़कात नहीं कटेगा। और विथहोल्डिंग टैक्स की बात कर ले तो जनाब विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे हो है आजकल जो गवर्नमेंट का सर्वे शुरू किया, फाइलर पे नहीं है। तो अगर नन फाइलर अब चाहता है कि विथहोल्डिंग टैक्स से बचे तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की कैश ट्रांजेक्शन करें तो विथहोल्डिंग टैक्स नहीं लगे, या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक बुक ATM सॉरी चेक बुक डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर इनके जरिए ट्रांजेक्शन करेंगे तो फिर जो है आप विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर कोशिश करें अपने आप को फाइलर में कन्वर्ट कर ले तो इससे अच्छी क्या बात होगी। अच्छा जो दूसरी प्रोडक्ट है, दूसरी प्रोडक्ट सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का तो हमने आप लोगों सबको बता दिया। दूसरी प्रोडक्ट है हमारे पास सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, जिसको सीसा भी कहते हैं, ऊपर वाले को सीता कहते हैं और इसको सीसा कहते हैं, ठीक है। इसका जो प्रॉफिट रेट है 20.50%, वो एज कम्पेयर टू 1 साल वाला सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट से कम है, वो था 21.37%, ये 20.50%। लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि जनाब उसका जो प्रॉफिट मिलता है आपको सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल के बाद प्रॉफिट मिलता है, जबकि यहाँ पर सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में हर महीने प्रॉफिट मिल रहा होता है, ठीक है। तो जनाब इसको हम हाईलाइट भी करते रहे, प्रॉफिट रेट है 20,500 रुपये, 20.50%, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बनना 20,500, अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा साल का, जिसकी 15% टैक्स कटेगा जिसके अमाउंट बनने 375 रुपये, और अगर नॉन फाइलर है तो जनाब अमाउंट बनने 6,150 रुपये, ठीक है। अगर आप फाइलर है तो जनाब प्रॉफिट आपको मिलेगा 17,425 रुपये सालाना, ठीक है, और अगर नन फाइलर है तो 14,350 रुपये जो है वो आपको प्रॉफिट मिलेगा सालाना, ठीक है। अभी मंथली की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। बात वही ज़कात 2.50% है, तो बचने का तरीका वही CZ50 का फॉर्म जमा करवाएं, और अगर नन फाइलर है तो 0.6% इस पर विथहोल्डिंग टैक्स लेगा, तो उससे भी बचने का वही तरीका है। अच्छा ठीक है, अच्छा ये जो प्रॉफिट मिल रहा है आपको, अच्छा जनाब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ठीक है ये तो जो प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का वो बन रहा है 17,425 रुपये साल का, तो मंथली क्या प्रॉफिट क्या बनेगा? मंथली प्रॉफिट आपका बनेगा अगर सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका प्रॉफिट हर महीने आता है ये बन रहा है 1,452 रुपये, ठीक है, फाइलर की बात कर रहा हूँ। और नन फाइलर की बात कर लूँ तो जनाब इसका जो प्रॉफिट बन रहा है तकरीबन 1,200 रुपये बन रहा है हर महीने का, ठीक है। तो जनाब ये है कि सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जो डिटेल्स है वो हमने आपके साथ शेयर की। अच्छा हाँ, मुझे जो इन तमाम प्रोडक्ट में जो सबसे अच्छे प्रोडक्ट लग रहा है वो एक तो लग रहा है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, हर महीने प्रॉफिट मिल रहा है, उसी प्रॉफिट को दोबारा री इन्वेस्ट कर करके आप उस पूरे साल भर तक प्रॉफिट री इन्वेस्ट करेंगे तो जनाब ये जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट साल के आखिर में अच्छा खासा प्रॉफिट ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा होगा। तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट हमारे लिहाज से सबसे ज़्यादा नंबर वन है, अगर आप चाहते तो इसमें इन्वेस्ट करना तो इस पर ज़रूर इन्वेस्ट करें, या दूसरे नंबर आप जो इन्वेस्टमेंट करें वो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाले पे, इसका प्रॉफिट रेट बहुत ज़बरदस्त है 21,370 रुपये सालाना, ठीक है। और टैक्सेस अगर निकालेंगे तो बनेगा तकरीबन 18,164 रुपये फाइलर और 14,969 रुपये नॉन फाइलर। तो जनाब कोशिश हमने की कि आज की इस वीडियो में जो इनकी प्रोडक्ट है रफा नेशनल सेविंग वालों की, इसकी जो प्रोडक्ट है इस्लामिक, चाहे वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है 1 साल 3 साल 5 साल वालों की, उसकी तमाम डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी, रिक्वेस्ट आप लोग से ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जब आप लोग अपने वीडियोस बना रहे हैं चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।